व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग ये होता क्या है इसको भी समझेंगे, और ये भी जानना जरूरी है कि क्या आपको ये डिजिटल मार्केटिंग व्हाइट लेबल वाली जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपको बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्या आपके लिए सही है या गलत है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है। जब हम बात करते हैं व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि हम खुद कुछ नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं किसी दूसरे से सर्विस ले रहे हैं, क्लाइंट हम खुद लेकर आ रहे हैं और उसको जो है हम खुद काम ना करके हम किसी दूसरे को आउटसोर्स करते हैं और वो हमारे लिए वो काम करके देता है, चाहे फिर वो आपका SEO करना हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, चाहे वेब डेवलपमेंट का काम हो, इस तरह का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं, कोई भी काम है तो हम खुद क्लाइंट लेकर आते हैं, उनसे हम चार्ज करते हैं और आगे हम किसी को आउटसोर्स करके उनसे काम करवाकर अपने क्लाइंट को हैंडओवर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां पर हम खुद कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एक एज अ मीडिएटर काम करते हैं। अब यहां पर व्हाइट लेबल एजेंसी क्या होती है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्या ये आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, चलिए अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी सर्विस है, कोई भी आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कैसे ये एज्यूम कर सकते हो कि आप किसी क्लाइंट के साथ में डील कर पाओगे, बिकॉज आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में ही नहीं पता है। माइट भी आप किसी ऐसे क्लाइंट के पास चले जाओ, इंक्वायरी आ गई आपके पास में, आप किसी उस क्लाइंट को अब आप जो है मिलने गए हैं या फोन पे बात कर रहे हैं और क्लाइंट जो है वो पहले से कुछ अदर एजेंसीज के साथ में काम कर चुका है, तो उसके पास में कुछ एक नॉलेज है, अब उसी नॉलेज के साथ में वो अब आपसे डील कर रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो आप उस क्लाइंट से लीड को क्लोज नहीं कर पाएंगे, आप उससे बिजनेस नहीं ले पाएंगे। सो मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप तभी बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे जब आपको उस डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होगा, आपको क्लाइंट से कितना चार्ज करना चाहिए किस सर्विस के लिए और वो सर्विस का जो है जो टाइमिंग है वो क्या डिलीवरी का होना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल कोई एक स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपके पास क्लाइंट आया तो उसके लिए आपको क्लाइंट से क्या क्या लेना है और उसको आप कितने समय के अंदर वो जो वेबसाइट है वो बनाकर हैंडओवर कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप डील नहीं कर पाएंगे। अगर आपको SEO क्या होता है, SEO के अंदर होने वाले इस्तेमाल जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, लाइक उसके अंदर जो कंटेंट है, राइट, कंटेंट राइटिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, टेक्निकल SEO है, राइट, कई सारे और भी अदर टर्म्स होते हैं, आपको अगर वो नहीं पता तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि किस तरह से आप SEO करने वाले हैं, आप उनका कंपटीशन जो है वो आपको नहीं पता क्या होता है, कंपटीशन को रिसर्च करना पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका जो ऑडियंस है, उनका जो रीच है वो सिर्फ लोकल लेवल तक होना चाहिए या एक रीजनल लेवल तक होना चाहिए या फिर जो है एक स्टेट लेवल तक होना चाहिए या फिर जो है कंट्री वाइड होना चाहिए या वर्ल्ड वाइड लेवल पे होना चाहिए, किस पैरामीटर के बेसिस के ऊपर में आप SEO करने वाले हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो आप क्लाइंट से डील नहीं कर पाएंगे। सो मेरा यहां पे इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि डेफिनेटली आप एक व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसके लिए आपके पास में एक इनिशियल एक बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दी सर्विसेज विच आर देयर इन द डिजिटल मार्केटिंग वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर पाओगे, एक अच्छा प्राइसिंग दे पाओगे, सो दैट कि आपको भी एक अच्छा बेनिफिट उसमें से मिल सके। अब ये सही है या गलत है तो
तो यहां पर मैं बताऊंगा कि अगर आप एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब आप एक क्लाइंट ही नहीं ला पा रहे हैं तो आपके लिए ये व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक बहुत ही एक गलत डिसीजन हो जाएगा। तो आपके लिए ये बैड भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बिना नॉलेज के बढ़ेंगे आपके लिए खराब हो सकता है। अब आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज लेना है और अपनी खुद की व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ हैंडशेक कर सकते हैं। tgmacad.com पे जाइए, वहां पे जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग का जो है व्हाइट लेबल एजेंसी का जो है आप कोर्स को एनरोल कर लें, सो दैट कि आप हमारे साथ मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर हम टाइम टू टाइम आपको जो है हर वो गाइडेंस देंगे किस सर्विस के लिए आपको कितना चार्ज करना चाहिए, किस तरह से आपको क्लाइंट को पिच करना है और क्या क्या टर्म्स का आपको इस्तेमाल करना है। सो आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के और वीडियोज अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपको फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।